देखिए, एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब कस्टमर की कोई सुनता ही नहीं था। कंपनीज इसका बहुत फायदा उठाती थी कि इंडस्ट्रीज में हार्डली कुछ कंपनीज हुआ करती थी, एक या दो कंपनीज, कंपटीशन था ही नहीं। और कई कई दिनों तक कस्टमर की कंप्लेंट पड़ी रहती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। पर दोस्तों, आज आलम दूसरा है। इंडस्ट्री में हर प्रोडक्ट कैटेगरीज में कई कई कंपनीज हैं, कस्टमर के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। एक कंपनी उनको खुश नहीं रखती, वह दूसरी कंपनी चले जाते हैं। तो इसलिए आजकल कंपनीज इस बात पर बहुत फोकस करती हैं कि कैसे अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखें, उनके एक्सपीरियंस को कैसे और बेहतर बनाते रहें। दोस्तों, एक रिसर्च कहती है कि अगर कोई कस्टमर एक कंपनी को छोड़ के चला जाता है तो 10 साल तक भी बहुत बार वो लौट के नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस बात से सभी कंपनीज डरी रहती हैं, वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू डू रिटेंशन इन कस्टमर सर्विस। सो उसके लिए 5 मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट दोस्तों वो ये है, मेक द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, द वेलकम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वेरी स्मूथ फॉर द कस्टमर। कस्टमर को ऐसा महसूस कराइए कि वो एक कस्टमर नहीं, एक कंपनी में ज्वाइन कर रहा है तो एक फैमिली मेंबर की तरह ज्वाइन कर रहा है। उसको अपने परिवार में आप एक नए सदस्य की तरह ले रहे हैं। उसको इतना स्मूथ, इसका इतना वॉर्म्थ भरा बनाइए। दूसरा दोस्तों, बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कंपनी में कोई भी कभी भी कहीं पर भी एक कस्टमर को अटेंड कर रहा हो, हर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करने का। उससे ही कस्टमर रिटेन रहता है। तीसरा दोस्तों वो है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर का एक रेगुलर लगातार फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के फीडबैक के बेसिस पे ही आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हो। वो आपको खराब फीडबैक देगा तो आप इंप्रूव कर पाओगे। खराब फीडबैक का मतलब आपकी कंप्लेंट ही नहीं है, आपके लिए इंप्रूवमेंट एरियाज के लिए वो फीडबैक दे रहा है। चौथा दोस्तों, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, डिपार्टमेंट्स को कस्टमर के लिए लगातार कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स में कुछ ना कुछ ऑफर्स निकालते रहना चाहिए। कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए जैसे कि क्यूमुलेटिव लॉयल्टी पॉइंट्स सिस्टम जैसे, जिससे कि कस्टमर लगातार आपकी कंपनी के साथ जुड़ा रहे, वो उन पॉइंट्स के चक्कर में आपके साथ लगातार जुड़ा रहे। इससे भी आपका कस्टमर रिटेन रह सकता है। और पांचवा दोस्तों, लेवरेज द कस्टमर डेटा। ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर डेटा। इसमें क्या है दोस्तों, आपको चाहिए कि आप कंपनी में अपने कस्टमर्स के डेटा को लगातार एनालाइज करते रहें। जैसे कि उसका परचेजिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने अमाउंट का परचेजिंग करता है, किन किन टाइप के प्रोडक्ट्स खरीदता है, किस रीजन से खरीद रहा है, कहाँ पर किस लोकेशन में ज़्यादा बिक रहा है, किस जेंडर के लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी ज़्यादा बिक रही है। इस तरीके की बहुत सारी एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर टेस्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो अगर आप ये 5 मेन पॉइंट्स याद रखते हैं एज अ डिपार्टमेंट, एज अ कंपनी, तो आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरा चैनल अजित पणिक्कर ऑफिशियल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।